दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हम मालवनी गेट नंबर 6 होली मदर इंग्लिश हाई स्कूल, जहां पर साइंस फेयर यहां पर प्रोग्राम रखा गया है। यहां पर एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है सेव ट्री। बच्चे बताएंगे कि इस सेव ट्री प्रोजेक्ट क्या है, तो आइए बात करते हैं बच्चों से। आपका नाम बताओ और ये सेव ट्री प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है वो क्या है? मेरा नाम गोलू है। इसका नाम जोबिया है, ये कौसर है, ये आयत है, ये फातिमा है, वो कार्तिका है और वो जी है। हमने सेव ट्री इसलिए बनाया कि सेव ट्री को बचाना चाहिए, ये ट्री को काटना नहीं चाहिए। ट्री और ट्री से हमारे ज़रूरत का सामान भी बनता है, जैसे बैठने के लिए बेंच हो गया, ये टेबल हो गया, ये सब इससे बनता है, पेपर हो गया, ये जैसे कार्डबोर्ड भी ट्री से ही बना है। तो हमें ट्री बचाना चाहिए और ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ट्री हमारे बहुत काम में होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जैसे हवा को इलेक्ट्रिसिटी में बनाता है। अच्छा, आपका नाम बताओ, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जोबिया है। मैं कहना चाहती हूँ कि हमें ट्री को बचाना चाहिए, क्योंकि ट्री हमारी जान है, क्योंकि अगर ट्री नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे, तो हमें ट्री को बचाना चाहिए। ट्री और ह्यूमन बीइंग्स आर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ना, क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलता है, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसकी वजह से हम लोग फ्रेंड्स हैं। क्योंकि हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते, वो हमें ऑक्सीजन देते कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो इसके हम फ्रेंड्स हैं। ये एनिमल्स भी है, एनिमल्स जैसे हो गया पत्ते हो गए, वो सब को खाते, ग्रास रस सो एनिमल्स भी इसके ट्री की वजह से ही जिंदा रहते हैं वो भी। थैंक यू। जैसे बच्चों ने बताया कि ट्री कितना ज़रूरी है, ट्री से फर्नीचर्स बनता है, ट्री से जो ट्री होता है वो जानवरों के लिए फूड का काम करता है, जानवर से खाते हैं, और सबसे बड़ी बात ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया होली मदर स्कूल के बच्चों ने। इस प्रोजेक्ट के पास जहां हम खड़े हैं, वेलकम टू सॉल्यूशन स्क्वाड है, इसके बारे में हम जानेंगे। आपका नाम बताओ और ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेगा? हेलो, माय नेम इज़ तायबा शेख एंड दिस इज़ हयात, दिस इज़ सोहेल, दिस इज़ अली, आलिया, मनीषा एंड सानिया। एंड आवर प्रोजेक्ट एंड द प्रिंसिपल वी यूज़ इन आवर प्रोजेक्ट इज़ परमिएबल पेवमेंट्स। ओके, सो इन मालवनी द मेजर प्रॉब्लम इन मालवनी इज़ दैट एवरी मॉनसून, हर बारिश के सीज़न में मालवनी के रोड से पानी भर जाता है, और जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं सो हम लोग क्या देखते हैं कि गेहूँ तैर रहा है ज़मीन के ऊपर, राइस इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वी कैन सी दैट भाजी तरकारी फ्लोट कर रही है, ऑयल फ्लोट कर रहा है। ओके, सो टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन वी केम अप विद दिस आइडिया, वी केम अप विद द परमिएबल वाटर पेवमेंट्स विच सोहेल विल एक्सप्लेन हाउ हैव वी मेड एंड हाउ डज इट वर्क। सोहेल, सो दिस रोड ऑब्जर्व द वाटर एंड पुट इन अ कंटेनर, सी एग्जांपल, यस दिस वाटर गेट इन अ कंटेनर एंड द वाटर कैन बी सप्लाइड टू फार्म्स एंड बिल्डिंग्स वेयर इट्स नीडेड, एंड नाउ हयात विल एक्सप्लेन द एयर पोल्यूशन। ये जो आपका मतलब है कहने का, ये जो रोड बना हुआ है वो रोड इस तरह से बना है, किस चीज़ का बना है? कंक्रीट और पत्थर का बना है। जो रोड जो इस तरह का बना है कि अगर वाटर अगर जमा होता है तो उसको ऑब्जर्व करेगा और वो नीचे की तरफ लेके जाएगा, तो जिससे पानी जमा नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? So today I'm going to tell you about the air pollution. Okay, so as we all know there are many factories in Malwani also. Okay, तो हमें पता है जैसे कि हमारी फैक्ट्रीज से काफ़ी गैसेज निकलती है, लाइक मोनो डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज गैसेज आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन्स। ओके, और इसकी ये एयर में मिक्स हो जाती हैं, उसके बाद में जैसे कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, कैंसर्स होते हैं, अस्थमा हो जाता है, दीज आर दी प्रॉब्लम्स। ओके, एज यू कैन सी दैट इन दिस फैक्ट्री दीज आर दी रिलीजिंग अनटाइडी स्मोक एंड दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट।
एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है उसको किस तरह से साफ किया जाता है, ये प्रोजेक्ट उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं स्कूल के बच्चों से। आपका नाम बताइए और जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो क्या है वो बताइए। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अमित गुप्ता, आई एम कैप्टन ऑफ दिस टीम। वी हैव मेक अ प्रोजेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड दिस ऑल आर द वेरियस प्रोसेसेस दैट हाउ टू क्लीन द इन्फ्लुएंट। इन्फ्लुएंट मीन्स दैट जो केमिकल्स फैक्ट्री से जो भी पानी निकलते हैं जिसमें पूरी गंदगी रहती है, जिसमें केमिकल्स रैक्स प्लास्टिक्स ब्रांचेस सब मिक्स होकर आते हैं, तो हम लोग उसको किस प्रोसेस के द्वारा कैसे क्लीन करते हैं इस प्रोसेस के बारे में पूरा दिया गया है। तो अभी मेरे मेम्बर्स उबेद इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। माई नेम इज़ उबेद, आई एम फ्रॉम एट स्टैंडर्ड। ई टी बी में जो फर्स्ट प्रोसेस है वो स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो बड़े बड़े कैन होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं और जो बड़े बड़े जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको वो निकाल देता है। जैसे कि अभी आपको ये इसका वर्किंग बताते हैं। अभी ये आपको वर्किंग कंडीशन दिखाएंगे, करते रहो आप। ये देखिए वर्किंग कंडीशन है, इधर पे राउंड रोटेट होगा। अच्छा। जो भी रैक्स रहेंगे, जो भी कैंस रहेंगे, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा ड्राई स्लज बेड में चले जाएंगे। अच्छा। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मुस्कान समझा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द माई नेम इज मुस्कान। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द स्क्रीनिंग द नेक्स्ट प्रोसेस इज द ग्रीट चैम्बर। इन द ग्रीट चैम्बर द वॉटर इज अ फ्लोटिंग एंड द हार्ड स्टोन्स एंड रैक्स इट इज मैकेन इन द In a great chamber, the hard stone is settled down and with the help of a mechanical process, it is removed and come from dry sludge bag. Okay. Then the next process is oil and grease. गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ प्रीति। ये ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप है। ये जो मतलब पानी है, इधर से जो केमिकल है ये इधर से मतलब इधर पास होता है। इसके अंदर आपको मतलब ये जो ऑयल सब दिख रहे हैं ये फ्लोट हो रहे हैं। ये फ्लोट होके मतलब कि इनको साफ करने के लिए ना एक इंडिकेटर करके एक वो इंटरसेप्टर करके एक डिवाइस होता है जो इनको क्लीन करने में हेल्प करता है। वो इंटरसेप्टर इसको हेल्प करता है उसको क्लीन करने में। यस, उसको ऑयल को मतलब सेपरेट अलग अलग करेंगे और वो इंटरसेप्टर एक डिवाइस हो। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अर्श। ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप के बाद इक्विलाइजेशन टैंक आता है। इक्विलाइजेशन टैंक में क्या होता है कि जब फैक्ट्री से वाटर आता है तो उसमें कभी टेम्परेचर कम होता है और किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किसी का पीएच ज़्यादा होता है, किसी का पीएच कम होता है। तो हम लोग इसमें एयर प्रोवाइड करते हैं, एयर के हेल्प से इसमें टेम्परेचर और पीएच सबका सेम हो जाता है। इसका हम लोग आपको वर्किंग प्रोसेस इसमें जो आपने इक्विलाइजेशन में जो पीएच बताया, पीएच क्या है वो बताइए। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जैसे जैसे पीएच रहता है, पीएच जैसे वाटर का पीएच लेवल 7 से 7.5 तक रहना चाहिए। जैसे इसमें बहुत सारे पीएच, जैसे कई सारे फैक्ट्री से पाइप्स आते हैं, उससे अलग अलग वाटर है तो उसके अलग अलग टेम्परेचर रहते हैं, पीएच रहते हैं। तो इसके पीएच लेवल को हम लोग इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एटमोसफेयर के ज़रिए, जिससे एक ऐसा टाइम आता है जिसमें पूरे का पीएच, पूरे का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजेशन टैंक, नेक्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन टैंक। जैसे कि अगर यहाँ से जो पूरा पीएच टेम्परेचर सेम हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस में तब न्यूट्रलाइजेशन टैंक में आए। तो जैसे कि अगर उसका पीएच हम लोग को जैसे पता है वाटर का पीएच लेवल 7 से 7.5 तक रहना चाहिए, तो अगर 7 से कम रहा और अगर 7.5 से ज़्यादा रहा तो उसको हम लोग को मेंटेन करना रहता है। तो अगर उस 7 से उसका पीएच लेवल कम रहा तो उसमें हम लोग अल्कलाइन के डोजेस देते जिससे उसका पीएच लेवल मेंटेन हो जाता है। अगर ये 7.5 से ज़्यादा रहा, जैसे कि 8 उसका पीएच लेवल रहा, तो उसमें हम लोग एसिड के डोजेस देंगे जिससे उसका प्रोसेस इसका उसका पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा। एसिड का डोज किसको देंगे और अल्कलाइन का डोज किसको देंगे, क्या है? अगर पीएच लेवल तब 7 से लेस रहेगा, कम रहेगा, तो उसमें तब हम लोग अल्कलाइन के डोज देंगे। अगर 7.5 से ज़्यादा रहेगा तो एसिड के डोज देंगे। न्यूट्रलाइजेशन में जैसे दो पार्ट होते हैं, अगर वो 7 के ऊपर रहते तो अल्कलाइन होता है, अगर 7.5 के ऊपर रहता है तो एसिड के उसको डोज देना रहता है। 7 से ऊपर रहेगा तो उसको अल्कलाइन बोलते हैं, अगर 7 से नीचे रहता है उसको एसिड बोलते हैं। कौन सा पानी हेल्थी है, अल्कलाइन का एसिडिक? अल्कलाइन और एसिडिक हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। एग्जांपल ऑफ अल्कलाइन एंड एसिडिक, इसकी एग्जांपल जैसे वाटर
वाटर में अल्कलाइन अल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए जिससे हम लोग के बॉडी में डिहाइड्रेट ना हो। और फिल्टर साफ़ सुथरा हुआ है, अल्कलाइन है और एसिडी, जैसे आपका जो सोडा मिलता है, स्प्राइट मिलता है, वो सब एसिडिक वाटर होता है, वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। और कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए? इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है फ्लॉकुलेशन। माय नेम इज मदीना। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मदीना। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन टैंक नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर सॉलिड्स फ्रॉम क्लस्टर्स और फ्लोक्स रिमूव फ्रॉम द वाटर। दिस प्रोसेस कैन हैपन स्पॉन्टेनियस और विद द हेल्प ऑफ केमिकल एजेंट्स और विद द हेल्प ऑफ केमिकल दिस प्रोसेस इज अ दिस इज अ कॉमन प्रोसेस ऑफ वाटर ऑफ दिस इज अ कॉमन प्रोसेस ऑफ वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। इसका वर्किंग मॉडल जैसे अगर हम लोग इसके एक फैन लगे रहते हैं और ये रोटेट करता रहता है और इस हाँ ये जो फैन रहता है इसमें रोटेट करते रहता है और जो भी इसमें सस्पेंड बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में जाकर उसका प्रोसेस होता है, उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपका नाम? नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ माय नेम इज शशि। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शशि। द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ प्राइमरी क्लरिफाइज में क्या होता है, जो इसमें केमिकल रहता है उसको इसमें जाके डालते केमिकल, वो जो मिक्स हो जाते हैं पूरे इसमें आके वाटर हो, इसमें आके वाटर आता है, फिर इसमें वाटर जो फ्लोट करता है तो नीचे जाके जो मिट्टी रहती है और रेत रहती है वो सब नीचे जाके बैठ जाती है, फिर हम इस पाइप के थ्रू हम बाहर वहाँ पर ड्राई स्लड बेड में डाल देते हैं। इसके बाद क्या स्टेप है? इसके बाद स्टेप आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द प्राइमरी क्लैरिफायर द नेक्स्ट प्रोसेस इज एरिएशन टैंक। इन एरिएशन टैंक देयर इज अ प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन इन अ प्रोसेस बिटवीन लिक्विड और सब्सटेंस। एरिएशन इज कंटेन एयर एंड वाटर इन अ टू सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन सल्फेट वेंटोलिक ऑर्गेनिकल केमिकल्स। एरिएशन प्रोसेस में क्या, एरिएशन टैंक में क्या होता है, एरिएशन टैंक में जो वाटर रहता है वाटर वो फिल्टर्स होता है और कोल्ड होके जिसका एयर है ना, एयर की वजह से जितना भी पानी रहता है उसके अंदर का वो पूरा फिल्टर होता है। आपका नाम बताओ और इसका जो वर्किंग मॉडल है आपको पहले सर। सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो इरेशन टैंक से वाटर जाता है तो उसमें जो सैंड सब रहते हैं वो बैक्टीरिया जो रहते हैं सब वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, जो सेटल डाउन होते हैं तो वो जो पाइप के हेल्प से उसको हम लोग ड्राई स्लज बेड में मैकेनिकल प्रोसेस से छोड़ दिए जाते हैं। पाइप इसकी वजह से वो पानी जो वो कोल्ड होता है फिर उससे वो आगे आगे की तरफ जाता है। प्रैक्टिकली चालू करें? उसके बाद ये मैकेनिकली प्रोसेस से आगे बढ़ता है, उसके बाद जो इसके अंदर का क्लीन पानी रहता है उसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी आती है वो क्लोरीनेशन में आता है। क्लोरीनेशन में जाता है, क्लोरीनेशन का स्टेप है? क्लोरीनेशन का स्टेप है जैसे उसमें एक केमिकल है। क्लोरीनेशन का स्टेप क्या है अभी एक्सप्लेन करेंगे। जो भी जैसे सेकेंडरी क्लैरिफायर से जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स बचे रहते हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस क्लोरीनेशन पे जाते हैं। तो ये एक फिल्टरेशन प्रोसेस है जिसमें केमिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग एक केमिकल डालते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहता है, तो उससे वो वाटर को क्लीन करता है। तो जैसे कि आप देखें हम देखिए इसमें क्लोरीन डाले, हम लोग क्लोरीन डालेंगे तो इसमें जो भी ऊपर फ्लोट करते हुए पार्टिकल्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स और नीचे जाकर सेटल डाउन होंगे और जो ऊपर के पाइप के जरिए पूरा फाइनली ट्रीटेड वाटर आ जाएगा जिसको हम लोग जैसे फैक्ट्रीज में रीयूज़ कर सकते हैं ये पानी, या फिर हम लोग रिवर में छोड़ सकते हैं, लाइक गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है, जैसे कि जो भी इन्फ्लुएंट फैक्ट्री से निकले तो उसको रीयूज़ करके फैक्ट्री में रीयूज़ करते जाए। एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी होता है उसको साफ किया जाता है। हाँ, पहले जैसे क्या करते थे, डायरेक्ट फैक्ट्री से जो भी इन्फ्लुएंट वाटर रहता है तो उसको डायरेक्ट रिवर में छोड़ देते, उससे उसके वजह से जो भी अपना एक्वेटिक लाइफ रहता है जो उसके अंदर फिश रहते हैं उन सबको हार्मफुल होते हैं, वो डेड होते जाते हैं। इसके लिए हम लोग इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करके अगर हम लोग इसको फाइनली ट्रीट करेंगे तो उससे एक्वेटिक लाइफ को कुछ हार्म भी नहीं होगा और ये वाटर भी वेस्ट नहीं होगा और रीयूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग वाटर में डायरेक्ट इन्फ्लुएंट छोड़ेंगे तो अगर कोई फैमिली में किसी घर में जाएगा तो उसको पानी कोई पिएगा तो उससे टाइफाइड बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग को चाहते हैं कि ये प्रोसेस
पूरे जितने भी मुंबई में जैसे इतने सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, तो ये जो भी प्रोसेस है ना हर फैक्ट्री में रहना चाहिए, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ हार्म ना हो। ध्यान में है जहाँ पे ये यूज़ होता है मुंबई में या कहीं भी इंडिया में होता है? जैसे हम हाँ ये इंडिया में 6500 कुछ ऐसे फैक्ट्रीज है, उसमें 6100 में ये यूज़ होता है। इसको और फैलाना कि हर फैक्ट्रीज में ये रहे, जिससे अपना रिवर पूरा ख़राब ना हो, डर्ट ना हो और एक्वाटिक लाइफ हार्म ना हो। थैंक यू वेरी मच। बच्चों का कहना है कि जो इस तरह का जो ये प्रोसेस है ये हर फैक्ट्री में होना चाहिए, ताकि जो गंदा पानी है वो साफ़ हो जाए और जो सी में जो गंदा पानी जाता है जिससे एक्वाटिक लाइफ जो होती है वो बर्बाद होती है, तो वो भी सेव हो जाएगा और पानी भी फिल्टर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, धन्यवाद। पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वेलकम टू न्यू एंड इम्प्रूव्ड मालवनी, तो ये क्या प्रोजेक्ट है इसके बारे में बच्चों से हम जानते हैं, प्रोजेक्ट में क्या क्या है और क्यों बनाया बच्चों ने। माय नेम इज़ महक, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल जजेस। आर टीम सैट सोल्यूशन स्वांते अरेनियस वॉज अ साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड क्लाइमेट चेंज। स्वांते अरेनियस discovery solution and made a clarify model of the eternals by green energy. Before going too deep in this topic, I would like to introduce my teammates Chanchal, Arman, Aram, Umaina, Imam, Arsalan, Fiza, Krishna and Hajira. Our theme is to reduce global warming and save from Our theme is to reduce global warming and save from communicable and non-communicable diseases. So hello, this is our 6th gate. We have seen that there are open gutter, there are slums or houses, there are no proper houses structure, but there are no proper hospital. This is our gate number 6. Where we have lived, we have seen open gutters, there are no hospital, sibling, everyone throw garbage in the gutter, open gutter, it spread diseases. So this is a new vision Malwani, in which we can see that there is some amount of space in between each residential area, and even if we talk about factories, there are some factories in Malwani, but the factory is near residential area, so this can affect residents. So just because we had made a factory in some other side, and the wastewater of factory will be filtered in this, so that it will be salty water and used like to wash vessels, to wash floors and all other house chores. And even we have hospitals, school, police station, there are some private government hospital, because these are cheap and even Malwani people can't afford that much. And yeah, and even we can save in this new vision of Malwani, the aim of that, we can save from non-communicable diseases and communicable diseases, because if there is some space, so the people can't spread this easily. Now I'm turning my mic to Arslan. Hello, my name is Arslan and I'm telling how the project is working. And if this is solar panel, and by the solar panel the fan is working, see, you can see, put in the sunlight, when it comes in the sunlight it works and the energy produces. By sunlight we are producing the energy, so we can save using fossil fuels. We are not using fossil fuels. And here there is windmills that it will provide energy by rotating, and the lights will open there. See, the fairy lights are opening, and this is a dam that it will roll and the lights will open from here, and the
and the whole building will get the energy by these three, by solar energy, by windmill energy, and by dam, yeah, potential energy. The this all building will work. And due to this energy, there is no carbon emissioning because most of global warming happened due to human activity, carbon dioxide. So here there is no carbon dioxide. Even we are using electric cars, electric bus and electric vehicles, because if we use fossil fuel will be cut. And we also don't have to do deforestation. Here you can see all the green there. Because the carbon that was stored in forest will be rise. So just because we have to put deforestation. हमारा प्रोजेक्ट है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सके. जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी की कार बनाए, सन से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, विंड से जो हवा से हम एनर्जी ले रहे हैं, और जो पानी है उससे भी एनर्जी ले रहे हैं. तो इससे हमारे एरिया में, हमारे कम्युनिकेशन में, सोसाइटी में हम लोग नेचुरल चीज़ यूज़ कर सकते हैं. या फिर एक दिन तो पेट्रोल ख़त्म ही हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा फ्यूचर में. तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है, मतलब तीनों चीज़ें, हाइड्रो से, विन एनर्जी से और सोलार से, हमने तीनों एनर्जी को लिया है. थैंक यू. ये बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गार्बेज. तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बच्चों से जानते हैं. आपका नाम बताओ, प्रोजेक्ट के बारे में बताओ. माय नेम इज़ इस्मा एंड हमारा प्रोजेक्ट है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ट्रैश, जो हमारी कम्युनिटी को हेल्प करेगा, क्योंकि हम एज अ मालवनी स्टूडेंट वी सी दैट देर आर लॉट्स ऑफ गार्बेज अराउंड अस. इन द टर्निंग ऑफ 5 नंबर वी कैन सी दैट देर आर लॉट्स ऑफ गार्बेज. एवरी डे दे क्लीन अप, बट एवरी डे देर आर सो मच गार्बेज दैट इम्पैक्ट अस. बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, द फ्यूल स्मेल कम. And for that we have decided to do something on a small scale. After that if it works we can do it on a large scale. तो मेरा नाम शेख अशकीज़ा है और मुझे मेरे कैप्टन के बाद ये कंटिन्यू करना है कि हम लोग ने मतलब ये प्रोजेक्ट बनाया, बट हम मुझे ये बताना है कि इसके बेनिफिट्स क्या है. तो जैसे कि अभी हम लोग ने कहा कि हम लोग इसे ट्रैश से कर रहे हैं, तो हम लोग जब इसे जनरेट कर रहे हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है चीपर वे में. अभी आजकल इलेक्ट्रिसिटी में लाइट बिल्स वगैरह में अभी इस टाइम बिल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसका बेनिफिट्स ये है कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चीपर वे में मिल रहा है. और जो हम लोग ने ट्रैश से किया है, तो जैसे स्मॉल विलेजेस में हमने देखा कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती है, मतलब जिसमें इतना रहता नहीं है, वो शट डाउन हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतना नहीं मिलता है वहाँ पे. तो हम लोग ये चीज़ मोस्टली विलेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ताकि वहाँ पे सब कुछ कंटिन्यू रहे. गुड मॉर्निंग. इसके यूसेज हैं बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे मतलब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कचरे हैं, घर घर के बाहर कचरे पड़ रहते हैं, तो उन कचरों से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग ने ये प्रोजेक्ट बनाया है. जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग ने इतने मतलब मेहनत से प्रोजेक्ट जो ये बनाया है, हम चाहते हैं कि हम बड़े होकर फ्यूचर में ये मतलब ये प्रोजेक्ट को रियल में शो करके दिखाएं. एंड वी वांट टू शो हाउ इट्स वर्क. क्या
क्या कर रहे हो? ये हम लोग गार्बेज जला रहे हैं, जिससे मतलब जब हम लोग गार्बेज जला देंगे तो यहाँ से जो वो होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। मतलब यहाँ से जब धुआं निकलेगा तो यहाँ पर एक हीटिंग सेंसर रहेगा, जो हीटिंग सेंसर जब हीट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया जितने अमाउंट में हमें मटेरियल्स मिला था।